हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी कोर्स में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है टॉप करंट अफेयर्स 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2019। तो दोस्तों देखिए, अभी जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये यूपीएससी, डिफेंस, रेलवेज, बैंकिंग, इनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ब्रीफ किए हैं इस वीडियो में। इसके पीडीएफ भी यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आगे जैसे कि क्लैट का भी एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में CDS का, FCAT का भी एग्जाम है, तो उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, इस हफ्ते का जो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल का डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। एक्चुअली जो प्रियंका चोपड़ा हैं वो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं फॉर चाइल्ड राइट्स। तो इसके तहत क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, तो इसलिए इस साल का डैनी के ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रियंका चोपड़ा को मिला है। तो देखते हैं अगली करंट अफेयर में क्या है। देखिए, एक्सरसाइज इंदिरा 2019 ये एक जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो इंडिया की सर्विसेज और रशिया की सर्विसेज के बीच में होगी। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया और रशिया के बीच में अभी 2019 में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है। उसका नाम है इंदिरा, तो जो कि 2019 है, ये ईयर को डिनोट कर रहा है कि 2019 के साल में होगी, और ये जो कंडक्ट होगी वो होगी 10 से 19 दिसंबर 2019 में, और ये जो कंडक्ट की जाएगी वो होगी पुणे, गोवा और बबीना में। तो ये प्लेस भी यहां पर दिए हैं, तारीख भी दी है, किस किस कंट्रीज के बीच में होगी, इंडिया और रशिया के, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। देखिए, एक हॉर्नबिल ये एक फेमस फेस्टिवल है जो कि नागालैंड का है, ये साल में एक बार मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर 2019 से ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये 10 दिन तक चलता है। जो फेस्टिवल है, नागालैंड के लोग काफ़ी अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, और ये 20 एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल है, और इसका जो इनॉग्रेशन किया है, जो इनॉग्रेट किया गया है, ये नागालैंड के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल R.N. रवि, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, तो आपको इसका जवाब देना है, इसका जवाब है नागालैंड। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, देखिए, जो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंटली सोमा रॉय बर्मन जी को भारत का नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है। इन्होंने जो अपना पदभार संभाल लिया है वो संभाला है 1 दिसंबर 2019 से। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली जो नया CGA कौन बनी है, तो इनका नाम है सोमा रॉय बर्मन, और ये भारत की 24वीं CGA हैं। देखिए, अगला करंट अफेयर क्या है, ये ब्रिटिश के फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर है, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन, काफ़ी फेमस ड्राइवर हैं ये, जो कि फॉर्मूला वन रेस में काफ़ी बहुत सारे टाइटल जीते हैं। तो साल 2019 का अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने जिनको हराया है, मतलब कि जो सेकंड पोजीशन पे थे या फिर जो फर्स्ट रनर अप थे, वो थे मैक्स वर्स्टेपन। तो जो बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर है मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने इनको हराकर अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2019 का टाइटल जीत लिया है। देखिए, अगला करंट अफेयर क्या है, यह है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनको अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी है, दी हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां के जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी श्रीनगर में, श्रीनगर एक्चुअली ये एक उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थित है उत्तराखंड की, तो वहाँ से इनको अभी रिसेंटली एक डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। तो बस ये आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि अजीत डोवाल जी को किस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है, तो आप बता देंगे हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है MCQ के रूप में। जो अगला करंट अफेयर है, देखिए, वो यह था 13th साउथ एशियन गेम्स SAG, ये जो
नेपाल के काठमांडू में, काठमांडू एक्चुअली नेपाल की कैपिटल भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वहां पर एक नया स्टेडियम बना है, दशरथ स्टेडियम। तो वहां पर जो 13 साउथ एशियन गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि इस बार के जो साउथ एशियन गेम्स हैं 2019 के, वो कहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, कहाँ पर हो रहे हैं। तो इसका आपको जवाब देना है काठमांडू नेपाल। अगर स्टेडियम का नाम आएगा तो स्टेडियम का नाम भी आप बता देंगे, दशरथ स्टेडियम। अगला करंट अफेयर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि इंटरनेशनल लेवल का, कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये देखिए इनका फेस मैं आपको दिखा दूं, ये रशिया के प्रेसिडेंट है और ये है चाइना के प्रेसिडेंट। जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट काई जिनपिंग के साथ एक प्रोजेक्ट, जो एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च करने का फैसला किया है। इसका नाम है साइबेरिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट। देखिए इसके द्वारा क्या होगा, जो कि साइबेरिया कंट्री से नेचुरल गैस अब डायरेक्टली चाइना में आएगी। तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट है जो कि रशिया और चाइना के बीच में साइन किया गया है। जो अगला करंट अफेयर देखिए, जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी, दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे कि दिल्ली और नई दिल्ली, अगर आपके सामने कभी भी ये क्वेश्चन आए कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आपको दिल्ली या फिर दिल्ली नहीं बोलना है, आपको प्रॉपर बोलना है न्यू दिल्ली या फिर नई दिल्ली। तो दोस्तों जो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो इस साल का जो नेशनल सिख गेम्स जो कि 2020 में होने वाले हैं, तो दोस्तों तो ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और ये कंडक्ट होंगे 9 से 11 जनवरी 2020 में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर नई दिल्ली में इसकी लोकेशंस बनाई गई हैं। तो नेशनल सिख गेम्स 2020 के जो होंगे वो होंगे नई दिल्ली में, और इनकी तारीख भी अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं 9 से 11 जनवरी 2020 में। यह है लियोनी मेसी, ये एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, इनको इस साल का बेस्ट प्लेयर चुना गया है। साथ ही साथ जो कि फुटबॉल का एक सबसे जो हाई लेवल का एक अवार्ड है जो कि साल में एक बार दिया जाता है, बैरन डियोर अवार्ड। तो ये जो अभी इस साल ये अवार्ड सेरेमनी जो कंडक्ट की गई थी, वो की गई थी पेरिस में जो कि फ्रांस की कैपिटल है। तो इनको इस बार का बैलन डी ओ आर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये जो लियोनी मेसी हैं, ये इनका छठा बैलन डी ओर अवार्ड है, और 6 बार जीतने वाले ये पहले ऐसे फुटबॉल के प्लेयर बन गए हैं। इसके बाद जो है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको ये बैलन डी ओर अवार्ड 5 बार मिला है, लियोनी मेसी 6 बार जीत के इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो साल 2020 में भारत यू समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रसल्स जाएंगे। एक्चुअली जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लियन, तो उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि साल 2020 में जो ईयू समिट होने वाली है, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाएं, वहां पर पार्टिसिपेट करें। तो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फैसला लिया है कि ठीक है, वो साल 2020 के इस समिट में शामिल होने के लिए वो ब्रसल्स की यात्रा पर जाएंगे। जो हमारा अगला करंट अफेयर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, स्पेशली फॉर डिफेंस कैंडिडेट्स। भारत ने सक्सेसफुली एक नाइट टेस्ट ट्रायल किया है एक इंडिजियसली डेवलप न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, जिसका नाम है पृथ्वी 2। देखिए जो मिसाइल का नाम है वो है पृथ्वी 2 मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मतलब कि जो जमीन से जमीन पर वार कर सकती है, और ये एक इंडिजियसली डेवलप न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इंडिजियसली क्या मतलब होता है कि जो भारत में ही बनाई गई है, इसके सारे पार्ट्स भारत में बने हैं, और न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब है कि ये मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर भी लेके जा सकती है। और इसका नाइट टेस्ट ट्रायल किया गया है, इसका मतलब है कि नाइट में भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों और ये जो ट्रायल किया था, ये किया गया था उड़ीसा जो कोस्ट है, भारत का जो राज्य है उड़ीसा, तो वहां पर एक कोस्ट है, फिर वहां पर एक जगह है चांदीपुर, वहां पे इसका नाइट टेस्ट ट्रायल किया गया है, और ये जो टेस्ट ट्रायल है ये सक्सेसफुल हुआ है। यह सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ भी हैं, इनको अभी रिसेंटली अल्फाबेट जो कंपनी है उसका सीईओ भी नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों जो इससे पहले अल्फाबेट कंपनी के जो सीईओ थे वो थे लैरी पेज। एक्चुअली लैरी पेज ही जो गूगल है, जो गूगल जिसपे हम आज सर्च करते हैं, गूगल के फाउंडर भी हैं। तो अभी जो सीईओ थे अल्फाबेट कंपनी के, वो लैरी पेज थे। एक्चुअली लैरी पेज की ही ये कंपनी है, मतलब इसके अल्फाबेट जो कंपनी है इसके फाउंडर भी लैरी पेज ही हैं। तो अभी सीईओ का पदभार भी इन्होंने ही संभाला था लैरी पेज ने, लेकिन अभी रिसेंटली सुंदर पिचाई जी को अल्फाबेट कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है।
ये है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, जो कि इंडियन नेवी के एक ऑफिसर हैं, वाइस एडमिरल रैंक के। इनको अभी रिसेंटली चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी नियुक्त किया गया है, और ये जिनको रिप्लेस करेंगे उनका नाम है वाइस एडमिरल आर हेयर कुमार। तो आपके सामने स्पेशली फॉर डिफेंस कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी कौन बने हैं, तो इसका जवाब है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। यह है मत्स्यगो असाकवा, इनको अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एडीबी है उसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो मिस्टर असाकवा हैं ये करंटली जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं और वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके एक स्पेशल एडवाइजर के तौर पे वहाँ पे नियुक्त थे। अभी इनको रिसेंटली एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट चुना गया है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि भारत का गृह मंत्रालय है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में पिछले 5 सालों में 14,500 जो कि एनजीओज हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको बैन किया गया है। एक्चुअली अगर कोई भी अगर अपना एनजीओ ओपन करता है या ओपन करना चाहता है तो उसके काफ़ी सारे कैटेगरीज टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो कुछ ऐसे जो एनजीओ थे जो जो मतलब धोखाधड़ी करके या फिर गलत तरीके से उन्होंने ओपन किया था, पर लेकिन अभी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 14,500 जो एनजीओज हैं उनको बैन कर दिया गया है। जो अगला हमारा करंट अफेयर है, देखिए भारत के जो गुजरात के एक कोस्ट है सौराष्ट्र कोस्ट, तो वहां पर जो भारत की गवर्नमेंट है उसने एक नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम स्टेब्लिश करने की घोषणा की है, और ये कहाँ पर ओपन किया जाएगा, ये किया जाएगा लोथल में। देखिए लोथल एक हरप्पन साइट का एक जगह है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र कोस्ट में स्थित है। देखिए ये एक मैरिटाइम म्यूजियम होगा जो कि पानी के अंदर होगा, इसमें लोग जाएंगे और जो म्यूजियम है वहाँ का देखेंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या आइटम्स रखे हुए हैं। ये जो जो मेरीन आर्कियोलॉजी है अंडर वाटर पानी के अंदर, तो उसके काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स काफी सारी चीजें वहां होंगी पुराने जमाने की, कि लोग वहां जाएंगे और उसको देखेंगे। देखिए जो लोथल साइट है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है ऑफ द इंडिया डेटिंग ऑफ द ब्रॉन्ज एज, जो कि ब्रॉन्ज एज के टाइम पे ये काफी एक पुराना पोर्ट रह चुका है जो लोथल जगह है। देखिए जो राज्यसभा है उसने अभी रिसेंटली जो मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल मतलब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को पास कर दिया गया है, और ये जो बिल था ये ऑलरेडी लोकसभा में 27 नवंबर को पास हो चुका था, अभी राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। देखिए इस बिल में क्या है, जो कि भारत के जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो इन दोनों को मर्ज करके अब एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, और इस जो नई टेरिटरी का नाम होगा वो नाम होगा दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो अब इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप हमारी रेगुलर अपडेट्स पढ़ना चाहते हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज NCERT स्टडी कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।